guys, this is Krishna Mukherjee and welcome back to my channel. So today I'm shooting something really special जो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं जिस वीडियो की. आज फाइनली मैं अपना होम टूर दे रही हूँ. सो कम इनवेट माई होम विद मी. As we enter the house, तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है जो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था. दूसरा कॉर्नर है मेरे घर का जहाँ पे मैंने यू नो एक ऐसा कॉर्नर बना रखा है जहाँ पे मुझे शूट करना हो तो ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगे. दिस आई गॉट इट फ्रॉम Amazon. सो नाउ आई एम गोना शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज कॉल्ड ब्लैक टर्मलिन. ये जो है अपनी एंट्रेंस में रखना चाहिए. जो आपका मेन डोर का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, लोग कितने आते हैं, कईयों की इंटेंशन सही नहीं होती है, सो ये नेगेटिविटी को आपके घर से दूर करता है. सो दिस कॉर्नर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉर्नर्स ऑफ दिस हाउस. मुझे एक्चुअली बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं चाहिए था बिकॉज इट्स मोस्टली मी एंड चिराग और कभी कभी कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं. सो ये मिरर जो है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. एंड ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मैं आइकिया से लेके आई थी. एक्चुअली मेरा पूरा घर जो है वो आइकिया से भरा हुआ है, बट अगर आप थोड़ा पास से देखेंगे तो इसमें लिखा है फैमिली, पीपल हु लाफ, क्राई, प्ले, लर्न एंड ड्रीम टुगेदर, द पीपल यू शेयर योर लाइफ विद, हु यू लव एंड सपोर्ट ईच अदर इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, दिस इज फैमिली. और ये जो यहाँ पे डिफ्यूज़र चल रहा है इस पर मैंने कपूर रखा हुआ है. कपूर जो होता है अगेन घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर करता है. और जब आप इनहेल करते हो कपूर, दैट इज़ रियली गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो. और ये जो शेल्फ है ये भी मैं आइकिया से ही लेके आई हूँ. और कि आई लव फ्लावर्स, स्पेशली लिलीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे यहाँ पे टेबल पे हमेशा लिलीज जो है वो हमेशा रहते हैं. इस मिरर का बेस्ट पार्ट ये है कि इस मिरर से हमें ओशन का पूरा व्यू मिलता है, लाइक लिटरली. दैट्स इट अबाउट दिस कॉर्नर. आई होप यू लाइक दिस कॉर्नर. और मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताना जरूर कि आपको कौन सा कॉर्नर सबसे अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा, और क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. अगर आपको वो चीज़ चाहिए होगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो एक्स्ट्रा वहाँ पे लिंक एड ऑन कर दूँगी. ये जो वॉलपेपर है ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है. मतलब जब उन्होंने मुझे UDC जो है और डिजिटल वॉलपेपर्स जो इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो देम, एंड अगर आपको भी सेम वॉलपेपर लगाना है तो यू कैन यू नो मैसेज देम. दिस आई गॉट फ्रॉम बेस्ट साइड शांति. सो यहाँ पे जो है हमारा TV है. एंड दिस अगेन आई गॉट फ्रॉम IKEA. एंड दिस इज रियली चीप. सो ये जो है मेरे शिवा है, आदि योगी, और इनकी बिल्कुल नो सेंटर ऑफ हिज हार्ट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रोज क्वार्ट्ज रखा है बिकॉज आई लव हिम सो मच. एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और उस कायनात ने मुझे मेरे झूमर से मिला दिया. बहुत टाइम पहले से मैंने ये सोचा हुआ था कि जब मेरी शादी होगी, जब मेरा मैं शादी के बाद जो अपने हस्बैंड के साथ जिस घर में रहूँगी वहाँ पे मैं रेड कलर का शैंडलियर लगाऊंगी. एंड लिटरली मैंने एग्जैक्टली यही वाला शैंडलियर मैंने मैनिफेस्ट किया था एंड आई गॉट इट. सो ये जो पैरापिट है मैं और मेरे फ्रेंड्स मोस्टली अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं. माई मॉम शी लव्स इट, वो यहीं पे बैठे रहते हैं और चाय पीते हैं और बाहर का जो व्यू है वो पूरा इंजॉय करते हैं. अबाउट दीज क्रिस्टल, ये जो है आई गॉट देम फ्रॉम इंस्टाग्राम. सो दिस इज द स्टार एंड दिस इज द नेम. एंड इससे जो है इस लोन में एमेथिस्ट है, तो एमेथिस्ट जो है वो आपकी लाइफ में लक लाता है, वेल्थ लाता है. क्रिस्टल्स आर एनीवेयर वेरी गुड फॉर योर होम. ये जो कॉर्नर है, ये जो कवर है, दिस इज डेडिकेटेड टू माय मदर इन लॉ. और उन्होंने जो अपने कुछ चीज़ें हैं जो एंटीक्स है वो मुझे पास ऑन की है. कैन वी श्योर नो इज इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर कैप्टन, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. तो यहाँ पे शूट हो रहा है, चलो निकलो निकलो खास लगा. में बहुत डर लगता है गाइस, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एंटीक है, इतनी ज़्यादा पुरानी है. ये मेरी सासू माँ की नहीं है,
ये तब की है जब उनकी मम्मा की शादी हुई थी, तब उन्होंने खरीदा था. तो माई मदर इन लॉ शी इज 67 राइट नाउ, तो आप सोच लो तब मम्मा हुई नहीं थी. ये जो कैप आप देख रहे हैं ये नेवी की कैप है, और ये चिराग ने अपनी एंगेजमेंट पे, मतलब हमारी एंगेजमेंट, अपनी एंगेजमेंट कैप हमारी एंगेजमेंट में पहना था. सो व्हाट, मुझे नहीं कह रहा, मतलब मेरा सिर ज़्यादा बड़ा है. और ये जो शिप है कोस्टा एटलांटिका है, जो अभी लास्ट ईयर चिकी वेंट टू इटली और ये वहाँ से उस शिप का लेके आए थे. दिस इज 24 कैरेट गोल्ड. और ये मॉम की जब शादी हुई थी, जब दिलशान जब पैदा हुई थी, तब उन्होंने वहाँ से जापान से लिया था. और ये बहुत ज़्यादा पुराना है. ये चिराग और मेरी मदर इन लॉ की कलेक्शन है. एक्चुअली कनेक्शन ही है, दोनों को दारू बहुत पसंद है. पीने का नहीं, बस घर में रखने का. सो ये जो है एक फाउंटेन है. सो बेसिकली फाउंटेन क्यों रखा जाता है घर पे? बिकॉज ये जो पानी है ये रिसाइकल हो रहा है. और किसी भी चीज़ का पानी का स्पेशली जो रिसाइकल होना होता है, विच इज़ रियली अगेन गुड फॉर योर हाउस. एंड तो मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है ये. और ये वो कॉर्नर है जहाँ पे मैं हमेशा पूरा दिन पड़ी रहती हूँ. दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर. और लिटरली आई सिट हियर, आई ईट माई फूड हियर, माई डाइनिंग टेबल पे तभी बैठी खाती हूँ. एंड आई वॉच नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग. एंड दिस सोफा इज ऑल्सो फ्रॉम IKEA. And this is really, really, really comfortable, very soft. And the best part about this sofa is, again, I'm gonna show you guys this. So मैंने अपने जितने भी बेड शीट्स वगैरह हैं वो सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल रखा है. So मुझे ना वो चीज़ें काफ़ी पसंद आती है जहाँ पे स्पेस हो चीज़ें रखने की. So yes, this is the best thing about this sofa. और इसलिए मैंने ये sofa खरीदा था. And I love the color also. सो ये जो पीस ऑफ आर्ट है ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाई है. एंड ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है ऊपर, स्टारी नाइट, दिस इज माई फेवरेट पेंटिंग. तो दिस इज सल्वाडोर, दिस इज विंसेंट, दिस इज मोनालिसा एंड दिस इज फ्रिडा कालो. और ये जो मास्टर पीस है ये मैंने बनाया है. वैसे इसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये हमारी पूरी टीम की, शुभ की, अंजलि की, मेरी, ये हमारी मेहनत की कमाई है. दिस इज माई सिल्वर बटन जो 100K पे हमें मिला था. बस आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहिए, व्यूज थोड़े बढ़ाइए. एंड दिस इज माई पैसेज, कम ऑन शो यू. सो यहाँ पे ये जो फोटोज हैं, ये जो फ्रेम है मैं IKEA से लेके आई थी. और आप देख सकते हैं फोटो टेढ़ी है, कोई बात है, अभी चिराग है नहीं, जब वो आएगा तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट आई रियली वॉन्टेड कि वाइट कलर की वॉल हो और ऐसे ब्लैक कलर की फ्रेम्स हो. और ये हमारी कुछ फोटोज हैं, ये जब हम सेकेंड टाइम मिले थे ये तब की फोटो है. और ये तो सारी इंगेजमेंट की है. ये भी जब थर्ड टाइम मिले थे वैलेंटाइन के लिए, तब की फोटो है. एंड द बेस्ट पार्ट, दिस इज माई फेवरेट लाइट. ये ऐसे ओपन हो जाती है और लाइट बढ़ जाती है. सो इट्स अप टू यू, अप टू योर मूड कि आपको कम लाइट चाहिए कि ज़्यादा लाइट चाहिए. तो मुझे ज़्यादातर एक्चुअली कम लाइट चाहिए होती, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ. बट अभी फिलहाल के लिए इसको खुला ही रखते हैं. सो दिस इज माई किचन. एंड कहा जाता है किचन इज द सोल ऑफ द हाउस. सो यस, ये है मेरा प्यारा सा किचन. मैंने पूरी पूरी ट्राई की है कि मैं यू नो जितना इसको एस्थेटिकली सजा सकी. सो इफ यू कैन सी, ये जो है यहाँ पे पेपर है, कार्डमम है, सिनेमन है, नटमेग है एंड क्लोव है. ये सब मैंने जो है ये वेस्ट साइड से लिया है. एंड ये ब्रेड रखने वाला ये भी मैंने वेस्ट साइड से लिया है. ये मसाला बॉक्स, ये रोटी का चपाती बॉक्स, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड. इवन नहीं, आई थिंक ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. एंड दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम वेस्ट साइड. कहा जाता है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा है, लाइक आई फॉलो एस्ट्रो एंड ऑल. सो कहा जाता है कि जो ओम भूर्भुवस्, जो गायत्री मंत्र है, वो हमेशा किचन में चलता रहना चाहिए. तो इसलिए मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था. और ये हमेशा किचन में चलता रहता है, मतलब रात को हम लोग बंद कर देते हैं. सो दिस कॉफ़ी मशीन आई गिफ्टेड चिकी ऑन हिज बर्थडे. एंड ये सो यू कैन कीप योर बॉटल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली यहाँ बॉटल्स ही रखना है.
यहाँ पे ये चीज़ें ही रखनी है. सो आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट एवरीथिंग. सो आई एम गोना शो यू माय फ्रिज. कुछ मैग्नेट्स हैं, कुछ फोटोज वगैरह हैं. सो दिस इज इट अबाउट माय किचन. बाकी तो आपने किचन देख लिया होगा बिट्स एंड पीसेस में. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एज यू गाइस नो कि मुझे वार्म लाइट बहुत पसंद है, तो मेरे किचन में भी वार्म लाइट है. मतलब दूसरी लाइट भी है मम्मी लोग के लिए, बट फॉर मी वार्म लाइट ओनली. एंड एज यू गाइस नो कि मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, विच वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही चीप था, तो मैंने वहाँ से मंगवाया है. और यहाँ पे मेरी दो एंजल्स हैं जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी. सो दिस इज माई बाथरूम. आई नो वी आर मैरिड. आप लोग सोच रहे होंगे कि माई बाथरूम का क्या मतलब होता है, पर मुझे मेरा बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन और जो फ्लोर है वो एकदम यू नो साफ पसंद है. गीला बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मेरा बाथरूम अलग है, चिराग का बाथरूम अलग है. ही इज़ हैप्पी इन हिज बाथरूम एंड आई एम रियली हैप्पी इन माई बाथरूम. सो आई विल शो यू. एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ. Now I will take you guys to my closet. Come. Ta-da! So, मेरा घर अगर आप देखोगे मोस्टली सब आइकिया से है. मुझे एक्चुअली बहुत पहले से ही, शादी के पहले से ही मुझे चाहिए था कि मेरा क्लॉजेट जो है बिल्कुल वाइट हो. सो यस आई मैनिफेस्टेड इट. So this is my wardrobe. ये जो है पूरा ये मेरा wardrobe है और ये है चिराग और मेरे में बटा हुआ है. तो आधे में चिराग के कपड़े हैं और आधे में मेरे कपड़े हैं. एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे भी रखनी है, बट माय मॉम इज़ हियर सो मैंने अभी उनके कपड़े जो है यहाँ पे रखे हैं, सो दैट यू नो उनको कपड़े निकालने में ईजी हो. कम एंड शो यू दिस कॉर्नर. दिस कॉर्नर इज़ रियली प्रिटी. सो ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉर्नर, ऑब्वियसली हर लड़की का होता है क्योंकि ये मेरा वैनिटी है. यहाँ पे पेट पेट में मेकअप करती हूँ. एंड दिस मिरर मुझे एग्जैक्टली इसी साइज का ऐसा मिरर चाहिए था. एंड ऑल्सो आई शो यू गाइस कि इसमें जो है ये मोड चेंज होते हैं, बट आई लाइक दिस वन. सो यार दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉर्नर जहाँ पे मैं बैठ के अपने आप को निहारती हूँ, दो तीन डायलॉग्स बोल लेती हूँ कि ये रो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने खूबसूरत लगे. So now I'm gonna show the view from my room. Right now because of the high tide, it's really dirty. But usually ऐसा होता नहीं है. But come, I'll show you. So ये जो sofa है, this is very special. घर में काफ़ी सारे guest आ जाते हैं, तो इसके काफ़ी सारे uses हैं. आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, वो मैं दिखाऊंगी अब आपको कैसे. Show you the magic now. को शिफ्ट करके इसको लिटरली ऐसे बना सकते हैं एक बेड और बस सो जाओ. नाउ आई एम गोना शो यू वन मोर मैजिक. सो आप जो यहाँ पे देख रहे हो, यू मस्ट बी थिंकिंग इट्स अ कबर्ड और क्या, मतलब खोलना कैसे क्या. इट्स नॉट अ कबर्ड बट इट इज अ बेड. ऐसे बोल देती हूँ. Now I'm gonna take you inside my bedroom. आप लोगों ने देख लिया होगा चला दे ब्रश का. ये एक्चुअली हमारी एंगेजमेंट पे वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था, तो हमने उठा लिया. Let's go. This is my bed. जो कि एक्चुअली ये जो है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. ये ब्लू कलर का था बट आई वॉज बोर्ड, तो मैंने इसके ऊपर ये क्लॉथ लगा दिया था. आई लव फ्लावर्स, तो मेरी रूम में, मेरे घर में हमेशा फ्लावर्स तो होते ही हैं हमेशा. जो वॉलपेपर है, मतलब लिटरली इस वॉलपेपर ने पूरा रूम चेंज कर दिया. सो ये जो मैंने कोलैबोरेशन की थी यूडीसी होम एंड डिजिटल वॉलपेपर्स, दे अप्रोच्ड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन. दिस इज ब्यूटिफुल. और ये जो शैंडेलियर है ये भी आइकिया से है. इफ़ यू कैन सी इट इज़
ब्यूटीफुल एंड आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है. आई शो यू माई कैंडल्स ऑल ऑफ देम, बट दिस इज माई फेवरेट गीली मिट्टी. सो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मोस्टली मैं अपने सारे शूट्स करती हूँ. एंड इफ यू कैन सी आई हैव केप्ट माई बैग्स हियर एंड मेरे सारे परफ्यूम्स यहाँ पे हैं, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, बट मैं ये सारा आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग पर डालूंगी. सो नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम. So this corner is my favorite corner. Now guys, so मैं जब अपने दिन की शुरुआत करती हूँ वो यहाँ पर बैठ के करती हूँ, क्योंकि जो सनराइज़ होता है वो यहाँ से होता है, तो पूरी धूप आती है एंड ऑब्वियसली सनलाइट जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. एंड मैंने पूरा माहौल बना के रखा है, यहाँ पर मेरे सारे प्लांट्स हैं एंड यहाँ पर बैठ के यू कैन जस्ट चिल विद योर फ्रेंड्स. मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब यहाँ पर आके बैठते हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, चाय पीते हैं. ये जो है वो मैंने इस कॉर्नर में इसलिए लगाया है बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद मून. एंड ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ये विंड चाइम की आवाज़ है, बिकॉज यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा आती है एंड आई लव द साउंड ऑफ द विंड चाइम्स. तो मैंने घर में काफ़ी सारे विंड चाइम्स लगा रखे हैं एंड ओ माय गॉड इट इज़ सो नाइस एंड विंडी. इस घर की बेस्ट चीज़ पता है क्या, यहाँ पे विंडोज बहुत ज़्यादा हैं, तो लाइक सनलाइट एंड हवा इतनी ज़्यादा आती है. ऑल्सो यहाँ पे जो है ये एसी के ऊपर जो जगह बनी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा बोल भी है, यहाँ पे मैं बर्ड्स को खाना देती हूँ और यहाँ पे एक पानी का भी है. मैं इट इज एक्चुअली एम्प्टी, मैं सुबह इसको भर के पानी देती हूँ और शाम तक ये ख़त्म हो जाता है. सो हर किसी को सबको ये करना चाहिए, अगर आपके घर के बाहर कोई सी भी जगह है वहाँ पे ना थोड़ा सा बर्ड्स के लिए खाना दे दो, उनको पानी दे दो एंड सो यहाँ अच्छे कर्म करो. फॉर मी होम इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग एंड मैंने पूरी मेहनत की है, मेरी जो फीलिंग है मैं जैसी हूँ अंदर से, मैंने अपना घर बिल्कुल वैसे ही सजाया है एंड आई होप आप लोगों को मेरा घर पसंद आएगा.